press the bell icon and never miss any update from GNN. क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछ सकते, अगर हम जान नहीं सकते कि सरकार क्या कर रही है, कितना पैसा कहां खर्च कर रही है, किसके नाम पे क्या नीतियां बना रही है, तो वो लोकतंत्र नहीं है, है क्या? तो जैसे उन्होंने बताया अपने गाने में कि लोकतंत्र में हम लोगों को अधिकार है, हमें जानने का अधिकार है कि दवाई आ रही है कि नहीं आ रही अस्पतालों में, राशन की दुकान पे राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हमें सूचना लेने का, हमें सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं? लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार है वो फासीवादी सरकार है, जो कि लोगों से ये अधिकार लेना चाह रही है, वो नहीं चाहते कि कोई भी सवाल पूछे उनसे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बार बार सरकार जो है वो सूचना के अधिकार कानून पे प्रहार कर रही है। अभी सरकार ने बहुत सारे संशोधन लाए हैं कि हम इस कानून को खराब कर देंगे, बंद करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो क्या हम सरकार को ये करने दे सकते हैं? क्या हम इन संशोधन, जो संशोधन हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, क्या हम ऐसे संशोधनों का विरोध करेंगे? अगर हम इनका विरोध करेंगे, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने संविधानों के अधिकार, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उन्हें लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अपने संविधान का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसमें एक जो जरूरी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, वो सूचना का अधिकार है। और आज अगर हम सब सहमत हैं कि सरकार को इस अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, सरकार को इसमें संशोधन नहीं लाना चाहिए, जो सूचना का अधिकार कानून है जिससे हम सूचना सरकार से ले सकते हैं, उसमें संशोधन नहीं करना चाहिए, तो एक बार आप अपना मुट्ठी उठा के सरकार तक ये आवाज हम लोग पहुंचाएं कि हम नहीं चाहते कि सूचना के अधिकार कानून में छेड़छाड़ हो। यदि आप इससे सहमत हैं तो एक बार अपना हाथ उठा के, मुट्ठी उठा के इसके साथ समर्थन आप जरूर अपना जोड़ें। दूसरी चीज ये है कि जो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, और ऐसे कानून पारित भी हुए हैं जिससे कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हो, उनकी सुरक्षा हो, पर सरकार उस कानून को भी लागू नहीं कर रही है। तो हमारी ये भी एक मांग है कि यदि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और हम संविधान का जश्न मना रहे हैं आज, तो हम भूले नहीं उन लोगों को जो सामने आकर अपनी जान जोखिम में डालकर और सरकार ने जो गलतियां कर रही है सरकार, जो भ्रष्टाचार कर रही है सरकार, उनके बारे में आवाज उठाते हैं, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस कानून को भी सरकार तुरंत लागू करे, ये भी एक मांग इस मंच से यदि उठ रही है तो आप अपने हाथ उठाकर उसका भी समर्थन जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम जीएनएन।